गया हूँ जरवानी वाटरफॉल, जो अभी मैं आपको ले जाऊँगा। तो हमें जाना है ये पीछे के रास्ते से। तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं आ चुका हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जंगल है शूलपानेश्वर का, और यहाँ पर मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको उसके लिए पे करना होता है। जैसे अगर बाइक है तो बाइक के ऊपर अगर आप दो जन हो तो आपको 200 रुपये देना है, बाइक के 100 और आपके 50, और आपके पीछे अगर आपका फ्रेंड है तो उसके 50। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये जंगल है, ये यहाँ का पूरा सीन है, और वो मेरा फ्रेंड जा रहा है। चलिए चलते हैं। बाइक पार्क करने के लिए कोई सेफ्टी या ऐसा कुछ नहीं है, आपको पार्क करनी है अपने रिस्क से। तो फ्रेंड्स, वाटरफॉल के लिए आपको ऐसे कच्चे रास्तों से होते हुए वाटरफॉल की तरफ जाना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 बजे से पहले यहां पर आ जाओ और एक्सप्लोर करके फिर आप 4 से 5 बजे के करीब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी से जब आप एंटर करोगे उसके बाद ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का जंगल आपको काटना रहेगा। बीच में सिर्फ सिंगल रोड है, और वहाँ पर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि कोई सेफ्टी है, बिकॉज बीच में बहुत सारे बर्ड्स भी थे कि लेपर्ड से आप सचेत रहना, सावधान रहना। तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर पत्थर पत्थर वाला, और यहाँ बीच में से पानी जा रहा है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर से, लेकिन हम लोगों ने ये मेरा फ्रेंड ने बोला कि हम लोग पत्थरों से होते हुए जाते हैं। तो देखते हैं, मज़ा आएगा। ये देखिए पत्थरों के बीच में से मैं और मेरा फ्रेंड एक अनोखा एक्सपीरियंस करते हुए चल रहे हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लग रही है, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर आके ही एक्सप्लोर करना रहेगा। तो ये मेरा फ्रेंड है, यही मुझे रास्ता दिखा रहा है। ये है दीपेश, जो बहुत ही अच्छा फाइटर है, एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत अच्छे से करता है, और काफ़ी पॉजिटिव बंदा है। वो दिखने में सिंपल है बट है बहुत डेंजर। सो उसको भी ये सारी जगह बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी। सो आज वो भी मेरे साथ जुड़ गया। ये देखो पानी कितना खूबसूरत तरीके से जा रहा है। दीपेश, तो फ्रेंड्स ऐसे रास्तों से होते हुए आपको जरवानी वाटरफॉल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही रास्ता है जिससे आप पहुंच सकते हो, और ये करीब बड़ौदा से कुछ 95 किलोमीटर समथिंग आपको होगा, और अहमदाबाद से 200 तक। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन सब लोग सेफ्टी के साथ आते हैं। तो आप कभी अकेले आओ तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जब आप वापस जा रहे हो तब तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो, और फ्रेंड्स के साथ हो तो भी जल्दी ही निकलो, क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। सो ऐसे छोटे छोटे बेबीज आएंगे जब आप जा रहे होंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सब लोग फोटोग्राफी वगैरह। Thank you.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लगता है एडवेंचर पार्क है, कुछ नया होगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम जब रिटर्न होंगे तब यहाँ जाएंगे, जाएंगे पक्का। फ्रेंड्स जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है ना, वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो सामने जो चार जन आपको दिख रहा है, तो वो बहुत थोड़े उतावलू होके और बहुत ही जल्दबाजी करके वो आगे आगे है। फोटो की उनको बहुत चिंता है, लेकिन मैं तो आप जानते हो कि आप सब के लिए यहाँ पर आता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। सो माय फ्रेंड्स इज सो एक्साइटेड राइट नाउ। सो सामने की तरफ चट्टान है, तो अच्छा ये है मेन झरवानी वाटरफॉल, इससे शायद आगे की तरफ भी जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो चले चलते हैं नीचे। देखो ये मेरे यहाँ से उठपटांग, बड़े बड़े पत्थर जो आपको चोट भी लग सकती है। तो ये ऐसा व्यू है। हाय फ्रेंड्स, क्या कर रहे हो? बस फोटोग्राफी। सो ये देखो, ये वो हमने स्पेशल फोटोग्राफर यहाँ से ही बुलाया था, और वो अच्छे से फोटोग्राफी कर नहीं रहा है, तो हम सोच रहे हैं इसको पेमेंट वगैरह का तो लटकाना पड़ेगा उसको। सो अच्छा व्यूज है, देखो ये है झरवानी वाटरफॉल। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप सर्च कर सकते हो, इससे आगे चलेंगे, लेकिन अभी ये फोटोग्राफी हो जाए उसके बाद। सो आज मैं आपका दोस्त विशाल और मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ ही रहते हैं सोसाइटी में, सो इन सब के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से, ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा तब, क्योंकि अभी मैं भी बहुत थक गया हूं। तो चलो आप लोग बैठो आराम से, मैं आगे का शुरू फोटोग्राफी कर रहे, तब तक मैं और मेरा एक दोस्त दूसरी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये सब दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि ऐसी सी जगह भी है जहाँ पे आप आ सकते हो फैमिली के साथ, अकेले और अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। सो देखिए बहुत ही मस्त। फ्रेंड थोड़ा आगे आ गए हैं और दोस्तों थोड़ा आगे आ गए और मेरे बिल्कुल पास में पानी है, और ये वाटरफॉल का पानी है। कौन सी नदी का होगा, कहाँ का होगा, ये तो हम नहीं जानते, ये तो बाद में रिसर्च करके पता चलेगा, लेकिन ये पीछे मेरे फ्रेंड्स फोटोग्राफी कर रहे हैं और मैं ये चट्टानों के बीच में, और ये पीछे पानी दिख रहा है आपको। सो आपको दिख रहा होगा पीछे का। तो अब हम जा रहे हैं झरवानी वाटरफॉल के एकदम पास में, थोड़ा फोटोग्राफी कर लिया, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींच लिए, अब जा रहे हैं वाटरफॉल के एकदम करीब।
Nar. तो अब हम जरवानी वाटरफॉल से वापस लौट रहे हैं एडवेंचर पार्क की तरफ। तो सोचते हैं अगर एडवेंचर पार्क में जाते हैं तो मैं आपको उसका शूट करके ज़रूर बताऊंगा कि वो कैसा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने स्पेशली आपके लिए यहाँ पर आकर ये शूट किया था। मैं दिखाना चाहता था ट्रैवलिंग विंडोज़ की खिड़की में ये नज़ारा कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये जो जगह है यहाँ पर अगर आप वॉक करो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो ये ग्रीन कलर की जो बोलते हैं ना ये गिरा देती है जो ग्रीन कलर की ये जो लील होती है वो। तो अब जाना है यहाँ से वापस पर आना है यहाँ से वापस और चलते हैं एडवेंचर पार्क की तरफ। तो फाइनली चलो एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क एग्जिट जरवानी फॉल के बिल्कुल बाजू में ही है उसका रास्ता। सो एडवेंचर पार्क में जैसे आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे जो देखा है वैसा ही है, लेकिन ये जंगल है, पूरा जंगल के बीचों बीच है और ये प्योर जंगल है। प्योर जंगल मतलब सारे जंगल तो प्योर ही होते हैं, लेकिन ये ऐसा जंगल है कि आपको यहाँ रुकने के लिए मनाही ही मनाही है, नहीं ही रुकना है ऐसा। और बाहर सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी रुकने नहीं देते। सो एडवेंचर का मतलब है यहाँ पर ऐसी चढ़ाई करके भी आगे जाके फिर भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ऐसी एक्टिविटीज़ होती है एडवेंचर पार्क में जो अभी शायद बंद है। एडवेंचर पार्क में अभी फ़िलहाल तो यही चीज़ है, बस यही है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना वही है। यहाँ पे आप ऊपर चढ़ सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो और नीचे की तरफ ये जरवानी वाटरफॉल नीचे की साइड